प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 7 और 8 9 वचन में लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर था तो वही पुराना सांप जो इबलीस कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाले शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए हैं। और आज वही शैतान जो हव्वा को बहकाकर उसे फल खाने के लिए बहका दिया था, इसलिए यीशु ने अपने सुनने वालों से कहा था कि तुम सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर अचानक फंदे के समान ना पड़े, यानी मसीह विरोधी का दिन तुम पर अचानक फंदे के समान ना पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु ने जो ये शब्द कहा है, इन शब्दों के अपने अंदर गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर इतना हाहाकार मचेगा मसीह विरोधी के दिनों में मेरे प्रियो। और इन बातों को जो यीशु ने कहा है इन्हें हर घड़ी याद रखिए, जो यहोवा परमेश्वर और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो और सिर्फ वही शैतान की दुनिया से बचेगा और वही उस शानदार दुनिया में हमेशा की जिंदगी पाएगा जो इतने करीब आ चुकी है। 2 पत्रस 3 अध्याय के 13 वचन में लिखा हुआ है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेंगे। यीशु मसीह ने हम सभी से प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्मी लोग स्वर्ग में वास करेंगे, नए आकाश और नई पृथ्वी पर जो इस संसार से निष्कलंक होंगे, पवित्रता का जीवन बिताते होंगे, वही परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। मगर जो शारीरिक दशा में है, जो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी पाप करते हैं, जो संसारिक चीजों में मन लगाते हैं, उनका बहुत ही बुरा हाल होगा। इतना हाहाकार मचा होगा इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी के दिन में मेरे प्रियो, क्योंकि वह दिन बहुत ही निकट आ गया है। अभी आपके पास पूरा मौका है, आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए छोटा पाप हो या बड़ा पाप, सब परमेश्वर की दृष्टि में बराबर है और उसकी सजा नर्क में अनंत काल की है। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा था, जात पर जात की और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइन डोल होंगे। इसलिए अभी सभी लोगों से बताया जा रहा है कि पाप मत करो, पाप मत करो, मगर वह अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर पाप कर देता है। थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। उस 7 साल में आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे, उस 7 साल में लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, बहुत तड़पाया जाएगा इस पृथ्वी पर। युद्ध, अकाल, भूकंप और महामारी अंतिम दिनों की निशानियाँ हैं। अंतिम दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे, पौलुस साहब कह बताता है, जैसे खुद गर्ज माता पिता की आज्ञा न मानने वाले दगाबाज, मोहब्बत, असंयमी, खूंखार, ये परमेश्वर के चाहने वाले नहीं बस सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। भक्ति का सिर्फ दिखावा करेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हे मेरे भाइयों और बहनों, अपना समय फालतू बर्बाद मत करो। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था आपको कि अपना समय परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम पर व्यवसाय बनाकर रख दिया है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को यह बहुत कम बताया जा रहा है स्वर्ग और नरक के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में। मैंने यूट्यूब पे ज़्यादा देखा है, न्यूज ही न्यूज अपलोड किया जा रहा है, बस फालतू की चीज़ें यूट्यूब पे बताई जा रही हैं। बस पैसों के चक्कर में अगर वे सच्चाई बताना शुरू कर देंगे तो उन्हें डर इस बात का रहता है कि मेरे सब्सक्राइबर ना निकल जाए। अगर जो सब्सक्राइबर निकल जाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा और व्यूज नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और वह मसीही मरकर नर्क ही क्यों ना चला जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कोई नर्क जाए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर देना अपने मसीह भाई बहनों के पास, ठीक है भैया। यशाया 61 अध्याय के 1, 2, 3 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वह तुम्हारा उद्धार न कर सके, ना ऐसा वह बहिरा हो गया कि वह तुम्हारी सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण ही उसका मुँह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां धर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुँह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से तो कुटिल बातें निकलती हैं।
बाइबल हमें स्पष्ट रूप से शिक्षा देती है कि जो आप पाप करते हो वे परमेश्वर की दृष्टि में बने रहते हैं। छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, सब परमेश्वर की दृष्टि में बराबर हैं और उसकी सजा नरक में अनंत काल की है। अपने मुँह से तो गालियाँ बकते हैं और तुम्हारी अंगुलियाँ घिनौने काम करके वे भी चार करके अपवित्र हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं परमेश्वर हमें स्वर्ग दे देगा, उसके लिए आपको गंदी नतें छोड़नी पड़ेंगी। अपने पापों से पश्चाताप करिए और अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लीजिए और अपने पापों को छोड़कर फिर से परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर किसी को नाश नहीं करना चाहता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि मेरे बेटे बेटियाँ नर्क जाएँ। जब आप खुद पाप करके नरक में जाना चाहते हो तो उसमें परमेश्वर क्या करे? अरे परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, हरा दो उस शैतान को जो शैतान आपको पाप कराने से मजबूर कर देता है। यशायाह की पुस्तक एक अध्याय के 15 वचन से 16 वचन से 20 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। जब आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में हाथ फैलाओगे परमेश्वर के आगे, तो तुम्हारी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आप अभी भी पाप कर रहे हो, आपके हाथ गंदे काम करके अपवित्र हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। जब आप पाप करते हो परमेश्वर देखता है, तभी तो कह रहा है अपने बुरे कामों को मेरी आँखों के सामने से दूर करो। और एक दूसरे की चुगली करते हो, दूसरे की बुराई करते हो, ये सब आपको गंदी लतें छोड़नी पड़ेंगी। ऐसे नहीं परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन दे देगा। और आगे उस 17 वचन में लिखा हुआ है, भलाई करना सीखो, इज्जत से न्याय करो, उपद्रव को सुधारो, अनाथ का मुकदमा लड़ो, न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। एक दूसरे की भलाई करो, भलाई के बदले बुराई मत करो। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद का मतलब है कि परमेश्वर आपसे सुलह करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्घवानी रंग के हों तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा होकर मेरी मानो तो आप चाहे जैसे भी पाप किए हो, चाहे जितना भी गंदा पाप हो, वे सब हिम के श्वेत समान चमकने लगेंगे। मगर कब वचन में आगे क्या लिखा है? यदि तुम आज्ञा होकर मेरी मानो तो सही, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में फॉलो करना पड़ेगा। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा आपके जीवन में। विलाप गीत 3 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूँ तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि आपके जीवन में अभी तक ही पाप है, इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है। कुरिन्थियों 6 अध्याय के 9 और 10 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजन, न परस्त्री गमन। परस्त्री गमन का मतलब है किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार करना। न लुच्चे, न पुरुषगामी। पुरुषगामी का मतलब है किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, जो दारू शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाना, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो, कितने तो ऐसे होंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते होंगे और मरकर नरक की आग की झील में चले गए होंगे। हे मेरे भाइयों और बहनों, अपने पापों से पश्चाताप करो। अगर आप पापों से फंसे हुए हो तो परमेश्वर से दूर हो गए हो तो अपने पापों से मुंह फेर कर परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर आपको नाश नहीं करना चाहता है। उस नरक की आग से दर्दनाक की मौत नहीं सह पाओगे, वह छोटी मोटी झील नहीं होगी, बहुत भयानक झील होगी। इतनी हार्ड आग होगी वहाँ की, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है, वहाँ आपको डाला जाएगा। इसलिए सुधर जाओ और बचा लो अपने आपको नरक की आग से। आप सभी को जय मसीह की।